सोना से विधायक संजय सिंह को नायब कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाया गया है। राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार उनको दिया गया है। संजय सिंह ने अपने ऑफिस का चार्ज संभाल लिया है। खुद संजय सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपने अपने ऑफिस का चार्ज संभाल लिया है? हाँ, आपने अपने ऑफिस का चार्ज संभाल लिया है। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्या क्या चुनौतियाँ रहने वाली हैं? मैं आज पहली बार जो जिम्मेवारी मिली है उसके नाते आज दफ्तर में आया हूँ। तो मैंने जैसे कल भी कहा था, हमारे जो विकास के लिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बहुत सी योजनाएं आम नागरिकों के लिए, गरीबों को उत्थान के लिए, युवाओं के लिए, और मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा विकास की जो चला रखी है उनको हम लोग पूरा करेंगे। अपने नेतृत्व का जो भी आदेश होगा उसको पूरा करेंगे, उसमें पूरी मेहनत के साथ ईमानदारी के साथ काम करेंगे। आप लोगों को अभी पोर्टफोलियो दिए नहीं गए हैं, सीएम साहब पोर्टफोलियो जल्दी ही आप लोगों को दे देंगे। पोर्टफोलियो को लेकर आपकी कोई प्राथमिकता, कुछ आपका इंटरेस्ट हो या सब कुछ सीएम साहब का, क्योंकि तो सीएम साहब का विशेष अधिकार है? दो, ये काम को देख करके माननीय मुख्यमंत्री जी जो आदेश करेंगे, जो जिस लायक कार्यकर्ता समझेंगे वो जिम्मेवारी देंगे। और मेरा तो कहना है जिम्मेवारी कोई भी क्यों ना हो, जिम्मेवारी जिम्मेवारी होती है, उसमें पूरी तरह से मेहनत करके उसमें काम करना चाहिए। अब देखिए, देखा जाए, संजय सिंह सर क्या नाम है, कुछ समय बचा है विधानसभा चुनाव के लिए, फिलहाल लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, मोटा मोटा 5-6 महीने आप लोगों के पास है, इतने कम समय में चुनौतियां काफ़ी रहने वाली हैं? नहीं, ये कोई ऐसा नहीं, एक तो होता है ना, नई सरकार बनी है और भाई उसमें पिछले 9.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एक पूरे देश में कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। क्योंकि एक होता है, लोग कहते हैं कि हमने व्यवस्था परिवर्तन करनी है, अगर वाकई में कोई व्यवस्था परिवर्तन हुई है तो मनोहर लाल जी ने करके दिखाया है। चाहे गरीबों के लिए किसी प्रकार की सुविधा हो, आज घर बैठे सबको सुविधाएं मिल रही हैं, तो मैं समझता हूँ सरकार तो हमारी पहले ही काम कर रही है, तो हम लोग और उसको आगे बढ़ाएंगे और 100% भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लगता है? 10 की 10 सीटें हम लोकसभा की हरणम जीतेंगे। बिल्कुल, देखिए संजय सिंह दावा कर रहे हैं कि लोकसभा में 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी, वहीं विधानसभा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। कैमरामैन ललित के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।